नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट का लगभग मटेरियल कच्चा चिट्ठा के माध्यम से डाल चुके हैं। आने वाले 2-4 दिनों में आपके लिए सेकेंड यूनिट डालना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सारे कोशिश कर रहे हैं कि सारे डालें, और फिलहाल तो अपना कार्य प्रगति पर है। लॉकडाउन का आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएँ, ऐसा पूरा भरसक प्रयास मेरे द्वारा आपके लिए किया जाएगा। तो आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में आपके लिए और भी अच्छे वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता जो है दोस्तों, वो आज का क्या रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा। यानी इसको अपन अंग्रेजी में करेंगे, साथ ही इसके अवधारणा कब प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ये सारी बातें क्या करेंगे आज शामिल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज का अपना टॉपिक बनाते हैं। इसको अंग्रेजी में बोले तो ये है, अंग्रेजी में है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। क्या है आज का ये टॉपिक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग की। होता क्या है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, तो एक ही शब्दों में या एक ही लाइन में अपन इसको बांट देंगे। यानी आप ये समझो कि इसका पुराना नाम, किसका पुराना नाम, तो याद रखना है संसाधन सहभागिता का पुराना नाम जो है वो पुस्तकालय सहयोग होता था। क्या होता था भाई? पुस्तकालय सहयोग। यानी पुस्तकालय सहयोग जो है वही क्या था, संसाधन सहभागिता का पुराना नाम था। यानी बात करेंगे दोस्तों ये है क्या, तो आप एक लाइन में बनाओगे दो या दो से अधिक पुस्तकालय, दो या दो से अधिक पुस्तकालय, अधिक पुस्तकालय द्वारा संसाधनों का प्रयोग करके आपसी लक्ष्यों की पूर्ति करना, आपसी लक्ष्यों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, संसाधन सहभागिता कहलाता है। यानी आपसी लक्ष्यों की पूर्ति करना ही पुस्तकालय संसाधन सहभागिता के नाम से क्या है भाई, जाना जाता है। यानी आप ये समझो कि जो सोर्सेज एक पुस्तकालय के पास में है वो पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालयों को अपने सोर्सेज दे सकता है, या जिन जो सोर्सेज उसके पास में नहीं है या जो संसाधन उसके पास में नहीं है वो एक दूसरे की क्या कर सकता है, मदद करके और अपने लक्ष्यों को क्या कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। बात करेंगे दोस्तों इसकी अवधारणा विश्व में सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुई, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले 200 ईस्वी पूर्व दो पुस्तकालय का नाम आएगा, एक तो आएगा अलेक्जेंडर के अलावा दूसरा, बात करें दोस्तों पहला तो आ जाएगा अलेक्जेंडर पुस्तकालय, वह दूसरे पुस्तकालय की बात करें तो वो आ जाएगा परगमन पुस्तकालय। वो आ जाएगा क्या भाई, परगमन पुस्तकालय। यानी 200 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंडर व परगमन पुस्तकालय के बीच सबसे पहले संसाधन सहभागिता को क्या किया गया था, बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। कब किया गया, तो आपको याद रखना है 200 ईस्वी पूर्व। इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो इसके बाद में अगर आधुनिक समय में अगर बात करें तो सन 1970 में दो पुस्तकालय पुनः आएंगे, और दो पुस्तकालय आ जाएंगे, एक तो है विमर पुस्तकालय व दूसरे की अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा है जिन पुस्तकालय। यानी विमर पुस्तकालय व दूसरे की बात करें तो दूसरा है जिन पुस्तकालय। इन दोनों के द्वारा संसाधन सहभागिता को क्या दिया गया भाई, बढ़ावा दिया गया। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, संसाधन सहभागिता को क्या दिया गया भाई, बढ़ावा दिया गया। देखो, संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए इन दोनों ने क्या किया, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इन दोनों ने एक संघीय सूची का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई निर्माण करवाया। इस संघीय सूची के निर्माणकर्ता कौन थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों एच सी बेटन नाम के एक व्यक्ति हैं। वो एच सी बेटन ने सबसे पहले एक संघीय सूची का क्या किया था, निर्माण किया था। और इसका निर्माणकर्ता एच सी बेटन है, लेकिन निर्माण करवाने वाले कौन है, तो आप याद रखें एक तो विमर पुस्तकालय और दूसरा कौन सा है भाई, जिन पुस्तकालय। देखो, इसी कड़ी में अगर बात करें दोस्तों, तो इफ्ला के द्वारा प्रस्तुत
इफ्ला के द्वारा प्रस्तुत सिस्टर लाइब्रेरीज, इफ्ला के द्वारा प्रस्तुत सिस्टर लाइब्रेरीज कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे संसाधन सहभागिता से रिलेटेड है। और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक और नाम आ जाएगा, वो नाम आ जाएगा यूनेस्को का, यानी यूनेस्को का कार्यक्रम है यूनिसिड्स, यूनेस्को का कार्यक्रम है यूनिसिड्स। तो और ये यूनिसिड्स किससे रिलेटेड है, तो वो भी आप याद रखेंगे, इफ्ला के द्वारा तो है सिस्टर लाइब्रेरीज, और यूनेस्को के द्वारा अगर बात करें दोस्तों तो यूनेस्को के द्वारा है यूनिसिड्स। इस यूनिसिड्स ये दोनों कार्यक्रम यानी इफ्ला और यूनेस्को दोनों के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम जो है ये भी संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु ही क्या किए गए थे, सर्वप्रथम विकसित किए गए थे। आप देखो यहां से भी आप जोड़ना चाहो तो आप समझ लो कि जो यूनेस्को जो सबसे पहले नेटवर्किंग की अगर कहीं बात करता है तो वो नेटवर्किंग की जो सबसे पहली अवधारणा या नेटवर्किंग का जो स्पष्टीकरण है वो यूनिसिड्स के माध्यम से ही क्या है प्रस्तुत करता है, यानी यूनिसिड्स के माध्यम से ही सबसे पहले वो किसकी बात करता है भाई, नेटवर्किंग की बात करता है, और ये भी किस कार्य हेतु करता है, तो आपको याद रखना है ये काम जो है ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए ही क्या है यूनिसिड्स के माध्यम से यूनेस्को क्या है भाई करना चाहता है। दोस्तों बहुत सारी किताब में लिखा रहेगा कि यूनिसिड्स कार्यक्रम तो देखो इसका विकास तो कर लिया गया था 71 में ही, और बात करें तो पूर्णतया इसका जो स्वरूप जो है वो 1973 में है। एग्जाम में दोस्तों इसका खूब बार प्रश्न आया हुआ है जहाँ पर इसको क्या माना है 1973 ही माना, यानी 1973 इसको क्या किया गया है माना गया है। तो वो बात करेंगे दोस्तों आधुनिक समय में रिसोर्स शेयरिंग किन क्षेत्रों में की जाती है, लाइब्रेरी के द्वारा। तो लाइब्रेरी में देखो सबसे पहले लाइब्रेरी में अगर बात करें अपन तो सबसे पहला नाम आ जाएगा वो है पाठ्य सामग्री का, तो सबसे पहला नाम आ जाएगा किसका भाई, पाठ्य सामग्री का, यानी पाठ्य सामग्री क्षेत्र में क्या की जा सकती है संसाधन सहभागिता की जा सकती है। और बात करें दोस्तों तो आप यूँ समझो मानव संसाधन, यानी मानव संसाधन, तो मानव संसाधन को आप एक लाइन में बांटो तो मानव संसाधन बोले तो कर्मचारियों के क्षेत्र में, कर्मचारियों के क्षेत्र में क्या की जा सकती है संसाधन सहभागिता की जा सकती है। यानी पहली बात करें तो पाठ्य सामग्री, दूसरी बात करें तो मानव संसाधन, और तीसरी बात करें दोस्तों तो तीसरी बात आपको याद रखनी है, तीसरा आप याद रखेंगे तकनीकी के क्षेत्र में, तीसरी आप बात करेंगे तकनीकी यानी आईटी के फील्ड में क्या की जा सकती है संसाधन सहभागिता की जा सकती है। साथ ही और बात करें दोस्तों तो पुस्तक खरीदारी, पुस्तक खरीद या फिर पुस्तक खरीद के अलावा और बात करें तो आप यूँ ले लो सम्मेलनों, यानी सम्मेलनों का आयोजन संयुक्त रूप से किया जा सकता है, किसी प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है, सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है, या फिर आप यूँ समझो सेमिनार के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होंगे, ट्रेनिंग बोले तो हिंदी में अपन लेंगे तो वो जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होंगे दोस्तों वो क्या हो सकते हैं इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस श्रेणी में क्या किए जा सकते हैं शामिल किए जा सकते हैं। तो ये सारा स्वरूप जो है वो किसका माध्यम है, वो रिसोर्स शेयरिंग का ही माध्यम है। आज अगर बात करें दोस्तों तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो नेटवर्क के माध्यम से क्या हो रही है अत्यंत विकसित स्वरूप में आ रही है। अब देखो नेटवर्किंग क्या है, तो आप ये समझो कि नेटवर्किंग से सीधा आप संबंध जोड़ो तो आप ये ले लो कि कंप्यूटर के द्वारा दो या दो से अधिक पुस्तकालयों द्वारा क्या हो जाते हैं, देखो दो या दो से अधिक पुस्तकालय परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं, और इसको बढ़ावा देना या इसको विकसित करना या इसको ज़्यादा डेवलप करना ही क्या है भाई लाइब्रेरी नेटवर्क है, देखो बात करेंगे दोस्तों नेटवर्क की तो ये इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करते हैं, और यूं समझो ये लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इसका अगर पूर्णतया विकास की बात करें अपन तो आप यूं समझो विश्व में अगर बात करें और भारत में बात करें तो विश्व में तो आप लेंगे ओसीएलसी को,
विश्व में तो आप लेंगे OCLC को, और भारत में आप लेंगे तो आप लेंगे डेलनेट को। भारत में आप लेंगे किसको? डेलनेट को। वर्ल्ड में अगर बात करें दोस्तों तो OCLC। देखो बात करें OCLC तो आप याद रखना है OCLC ये ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका क्या है, पूरा नाम है दोस्तों। बात करेंगे कब बनता है तो आप याद रखिएगा सन 1967 में, यानी 1967 में इसको बनाया जाता है। कैसा स्वरूप है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये DDC में क्या कार्य कर रहा है, साथ ही कितने पुस्तकालयों को ये अपनी ऑनलाइन सर्विस देता है, इन सब का एक वीडियो जो है वो आपको आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। साथ ही डेलनेट से संबंधित जो बातें हैं वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, खूब सारे बिंदु जो डेलनेट से जुड़े हुए हैं, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें आपको डेलनेट के माध्यम से मिलेंगी। देखो दोस्तों OCLC के बारे में भी खूब सारे बिंदु हैं और हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है OCLC का मुख्यालय कहाँ है। बना था तब ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था ओहायो डबलिन अमेरिका में इसका मुख्यालय था। यानी छोटी छोटी बहुत सारी बातें जो है वो अपन क्या करेंगे आने वाले टाइम में करेंगे। साथ ही डेलनेट भारत का, तो दोस्तों आने वाले टाइम में कच्चा चिट्ठा में आपको OCLC और डेलनेट दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी, कौन से एक्ट के तहत इनका पंजीकरण किया गया है, कौन से इसकी स्थापना की गई, कब क्रियान्वित होता है, स्थापना के समय क्या नाम था, ये सारे विवरण आपको क्या हो जाएंगे यहाँ से मिल जाएंगे। तो लाइब्रेरी नेटवर्क में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है OCLC, और भारत की बात करें दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है वो डेलनेट, जैसा कि अपन बोल चुके हैं, वीडियो इसके संदर्भ में आ जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्कों की, तो पुस्तकालय नेटवर्कों से भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं, उनका स्वरूप दोस्तों आने वाले टाइम में आपको RFID और RFID क्या है, साथ ही लियोन थिरेमिन नाम का व्यक्ति कौन था, ये सारे स्वरूप मेरे द्वारा आपको क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो आने वाले टाइम में आपके लिए जल्दी क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। आप इस पे बने रहिए, देखते रहिए, खूब सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से क्या होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं दोस्तों प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क और प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्कों की अपन देखो यहाँ बात करेंगे दोस्तों, प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्कों की कौन कौन से नेटवर्क हैं उन सब की यहाँ क्या करेंगे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से यूँ याद रखिएगा कि एग्जाम में इनके पूरे नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम में पूरे नाम हो इसलिए आप थोड़ा सा इनको भली भांति याद रखेंगे। पहली बात करें तो पहला तो है दोस्तों अरनेट के बाद में अपन शामिल करेंगे, वो शामिल कर लेंगे निकनेट के अलावा अगर शामिल करें दोस्तों तो अपन शामिल कर लेंगे क्लिबनेट के बाद में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ से बन जाएगा छः नंबर पर वो बन जाएगा माई लिबनेट और MyLibNet के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ से बन जाएगा OCLC के बाद में बन जाएगा सरनेट के अलावा अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ से अपना बन जाएगा रेलिन के बाद में बन जाएगा इनफ्लिबनेट। ये सारे नेटवर्क जो हैं दोस्तों ये एग्ज़ाम में इनका पूरा नाम, ये कब बने, इनका स्वरूप जो है वो एग्ज़ाम में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है दोस्तों। एक दो को और शामिल करेंगे, एक अपन शामिल कर लेंगे UGC का इम्फोनेट को अपन और क्या कर लेंगे इम्फोनेट तो इम्फोनेट के ऊपर यहाँ और चर्चा कर लेंगे। सब में से एग्जाम में एक प्रश्न पूरा आने की क्या रहेगी संभावना रहेगी। तो सबसे पहले तो देखो मैं इनका सीक्वेंस वाइज सबका सन लिख देता हूँ दोस्तों। अरनेट की बात करें तो ये है 1986, निकनेट की बात करें तो दोस्तों निकनेट है 1977, बात करें दोस्तों डेलनेट की तो डेलनेट को आप याद रखना है 1988 और 1991, यानी 1988 और 1991 दोनों याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों बात करें जाननेट की तो जाननेट आप याद रखेंगे 1984, क्लिबनेट की बात करें दोस्तों तो क्लिबनेट को भी आप याद रखेंगे 1986, इसके अलावा MyLibNet की बात करें दोस्तों तो MyLibNet जो है वो है 1994
OCLC की बात करें दोस्तों तो यह है 1967, और बात करें दोस्तों सरनेट की तो सरनेट आप ले लेना, सरनेट है 1989। रेलिन की बात करें दोस्तों तो यह है 1974। इन्फ्लिमनेट की बात करें दोस्तों तो यह है 1991। और यूजीसी इंफोनेट की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा सन 2002। ये सारे के सारे जो स्वरूप हैं ये सन के सन में, अगर सन में बात करें, ईयर में बात करें तो इसमें आ जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ से एग्जाम में इनके पूरे नाम बहुत बार पूछे गए हैं तो वो आप याद रखेंगे। देखो अरनेट की बात करें दोस्तों तो ये अरनेट जो है ये है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये JTO यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित होने वाली, RU के द्वारा आयोजित होने वाली JTO एग्जाम में क्या है पूछा गया है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे निकनेट की, निकनेट क्या है तो ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क है, यानी पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों डेलनेट है, यह है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका पूरा नाम है। दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें प्रश्न था, घुमा के प्रश्न आएगा, इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छे प्रकार का वीडियो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जाननेट की बात करें दोस्तों तो यह है जॉइंट अकेडमिक नेटवर्क इसका क्या है पूरा नाम है। साथ ही बात करें दोस्तों क्लिबनेट की तो क्लिबनेट को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये है कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों बहुत सारी किताबें और बहुत सारे जो भी ऑनलाइन क्लासेज है सब में एक स्वरूप आता है कि भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा था, तो प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क तो था क्लिबनेट, प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क तो था क्लिबनेट। कब बनता है तो 1986 में, लेकिन ऐसा नेटवर्क जो सबसे पहले विकसित हुआ और क्रियान्वित होने वाला था, यानी सबसे पहले बात करें बनने वाला तो है क्लिबनेट, लेकिन सबसे पहले क्रियान्वित या संचालित होने वाला नेटवर्क क्या है भाई, डेलनेट है। अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे पहला विकसित नेटवर्क कौन सा है, तो विकसित नेटवर्क भी क्या है डेलनेट है। लेकिन ऐसे प्रश्न आए कि भारत में बनने वाला पहला ऐसा नेटवर्क बनने का जिसको श्रेय दिया जाता है, ऐसे कई नाम आए तो वहां पर किसको आप कर सकते हैं, क्लिबनेट को कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों माइलिबनेट की भी बात करेंगे, माइलिबनेट को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क इसका पूरा नाम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम। साथ ही बात करें दोस्तों OCLC, तो OCLC को आपको याद रखना है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 में बना था, पूरा वीडियो डालेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही बात करें दोस्तों सरनेट की, तो सरनेट की अगर बात करें तो यह है साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क है, 1989 में क्या हो गया था भाई, बन गया था। बात करेंगे दोस्तों रेलिन की, तो रेलिन को भी आप ले लेंगे, रेलिन है रिसर्च लाइब्रेरी नेटवर्क इसका क्या है भाई, इसका पूरा नाम है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इन्फ्लिमनेट की, तो इन्फ्लिमनेट को भी आपको याद रखना है, ये है इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। यहाँ से प्रश्न आएगा दोस्तों इन्फ्लिमनेट का, तो कोशिश करेंगे कि इन्फ्लिमनेट का भी एक पूरा वीडियो जो है वो आपके लिए आने वाले टाइम में डालें। गुजरात विश्वविद्यालय गांधीनगर में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे UGC इन्फोनेट की, तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इसका क्या है पूरा नाम है। कब बनता है तो सन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इसका पूरा नाम है कब बनता है तो सन 2002 में क्या है भाई, UGC के द्वारा ये बनाया जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा स्वरूप है, समझो कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूर्णतया रहेगी।
प्रश्न यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है, साथ ही कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो भारत में सबसे पहले विकसित हुआ, ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ से क्या हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप भली भांति इनको देखिए, एक दो बार आप देख लेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।